हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब सारिआं नूं। मेरे चैनल इज़ी कुक ब्लॉग्स विद पूनिया ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां बनावांगे फ्रैश अनियन राइस, जिहड़ा कि हुण सीजन शुरू हो गया, फ्रैश सब्जियां आ रही हैं, फ्रैश प्याज आ रहा, उहदे नाल आपां जिहड़ा अज दे चावल है बनावांगे। जिहड़े चावल है बहुत हैल्दी ते बहुत टेस्टी बणनगे। ये चावल किद्दां बनाउणे आ तो चलो अपना चावल बना के देखते हैं। तो ये मैं नाल सर्व करांगी कढ़ी ते दही दे। तुसी अगर दही ना पसंद करते हो दही नाल भी ये बहुत टेस्टी लगनगे, अगर कढ़ी ना पसंद करते हो तो कढ़ी नाल भी ये बहुत टेस्टी जिहड़े चावल लगते हैं। ये देखो मैं कढ़ी भी बनाई है, पर मैं थोड़े नाल जिहड़ी रैसपी है सिर्फ चावलों की जिहड़ी सांझी करांगी। कढ़ी की जिहड़ी रैसपी है मैं पहला अपने चैनल पर पाई हुई है, पंजाबी तरीके कढ़ी किवें बनाउणी है तुसी उत्थों देख सकते हो। तो चलो आपां हुण जिहड़ी राइस है उहदी रैसपी है जिहड़ी देखदे हां। अज आपां बनावांगे स्प्रिंग अनियन चावल पुलाव। वैसे तो आपां जिहड़े चावल है बनाउंदे ही रहने हैं, पर जिवें कि हुण फ्रैश सब्जियां दा इह सीजन है जिहड़ा शुरू हो गया, तो उहनां विचों इक जिहड़ा फ्रैश प्याज है आउण लग पिया। तो फ्रैश प्याज है जिहड़ा इह वी बहुत हैल्दी हुंदा, तो अज आपां जिहड़ी ये चावल हैं आप फ्रैश प्याज के नाल बनावांगे। चावलों मैं साफ करके लै लिया, तो हुण इहदा जिहड़ा पिछला वाइट पार्ट है चाव इहदा बलब है इहदा आपां कट लांगे, तो आपां जिहड़ा ये सारा इहदा हरा पार्ट है जिहनूं पंजाबी च भूका कहा जांदा है ये भी आपां कट के लै लांगे। तो चावल भिगो के रखे हुए ने। ये देखो एक पासे गैस ते जिहड़ा मैं पानी गर्म होना रख दिता, जिन्ने आपां ने चावल लेने हैं वह तो आपां तीन गुणा पानी लेना है। अगर आप एक कटोरी चावल की लई है तो आप तीन कटोरिया जड़ियाँ पानी दियाँ लवेंगे। तो हूँ आप चलते हैं दूजे गैस वल। ये देखो इधर हूँ मैं एक रख लिया गैस से एक बर्तन, मैं वैसे कुकर ही रख लिया, पर आप सीटी नहीं लगानी, तुसी कढ़ाई पतीला जो भी वरतना चाहते हो वरत सकते हो। तो ये आप पावे ऑयल, ऑयल तुसी कोई भी ले सकते हो, मैं ओलिव ऑयल लिया, तुसी अपनी पसंद अनुसार जो भी वरतते हो ले सकते हो। तो हूँ आप इस तेल च पा देंगे जीरा, जदों जीरे का कलर चेंज हो गया आपां इहदे विच पावांगे कुछ कट्टे हुए स्लाइसिस अदरक दे। ते हुण आपां इहदे विच पा दित्ता अदरक, ते हुण आपां इहदे विच पा दांगे जिहड़ा आपां फ्रैश प्याज लिया कट के। बहुत टेस्टी है जिहड़े चावल अपने बन के तैयार होणगे। तो मैं एक हरी मिर्च है जी इन इदा कट के लै लिया पिछों कट लगा के। तुसी अगर चाहते हो तो तुसी बरीक बरीक कट के भी जी मिर्च यूज़ कर सकते हो, तो मिर्च घट वध भी कर सकते हो। थोड़ा जहा रोस्ट करेंगे आप इन्हों, फिर आप ये पा देंगे अपने चावल। पानी ऑलरेडी आप गर्म रखा हुआ चावलों पाने लिए, जोड़े अपने प्याज आप ज़्यादा काले नहीं करना। तो हूँ आप पा दते चावल, आप थोड़ी देर चावलों में भी हिला के ये रोस्ट कर लाँगे। ये जो चावल है बहुत अच्छे तरीके दे नाल फुल जाते हैं। इदा हिलाते हुए थोड़ी देर चावलों में बिच भुन लाँगे। ये देखो चावलों से जोड़ा पानी से बिल्कुल सुक गया, तो हूँ आप जो गर्म पानी रखा हुआ से ये आप चावलों के पा देंगे मिक्स करा। तो हूँ आप चावलों जोड़ा बन देवे पक्न देवे, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, 10 मिनट के जोड़े अपने चावल हैं रेडी हो जाएंगे। देखो चावल अपने बॉयल होने शुरू हो गए, तो बिच बिच आप हिलाते रहेंगे, थोड़ा जहा बिच ढक दिया करा, तो थोड़ा जहा फिर मिनट के बाद इन हिला दिया करा। देखो जोड़े अपने चावल हैं बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, बस थोड़ा जि के जी है कसर रही है बन दे, ढक के बनावे। हूँ आप कटिया हुआ फ्रैश जड़ियाँ प्याज दी भूंका है, प्याज का फ्रैश का उपर वाला ग्रीन पार्ट हों जड़ा पत्ती होंगी वह कट के लै ली, तो फ्रैश धनिया लै लिया। हूँ आप ये पा देंगे मिक्स करा, तो आप चावलों जोड़े ढक देंगे। तो हूँ ये जोड़ा रह गया इन भाफ के नाल ही जो चावल अपने बिल्कुल बन के तैयार हो जाएंगे। एक कॉटन का कपड़ा लै लेंगे, तो उत्ते इदा दे देंगे, उत्ते दे देंगे कुकर का ढक्कन, तो गैस कर देंगे बंद। तो हूँ आप 5 मिनट बाद अपने चावल है जोड़े खोल के देखांगे। ये देखो हूँ ढक्कन ते कपड़ा उठा के देखते हैं आप। ये देखो जिहड़े अपने चावल हैं बहुत अच्छे तरीके नाल बन चुके हैं, तो बहुत ही वधिया लगते हैं, तो खाने भी बहुत टेस्टी होणगे ये चावल। तो तुसी मैनूं अपने जरूर कमेंट्स राही दसना तुहानूं मेरे चावल हैं इहदी रैसपी जिहड़ी किद्दां दी लगी है। बहुत आसान है तो टेस्टी तो हैल्दी होएगी,
जरूर अपने कमेंट्स राही दसना। अच्छी लगी मेरी वीडियो लाइक ते शेयर करना। अगर तुसी मेरे चैनल ते पहली बार आए हो मेरे चैनल नू सबसक्राइब करना। मेरी वीडियो देखने लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। सारे जने खुश रहो ते हमेशा हसदे वसदे रहो।